नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आदि पुरुष के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि करीब 65 करोड़ रुपए के आसपास कलेक्शन आया है फिल्म का कल सैटरडे को। पहले दिन 85 करोड़ के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन था, तो 30-35% के करीब ड्रॉप देखने को मिला है। और आज संडे की बात करें तो संडे को भी फिल्म के कलेक्शन में ड्रॉप होगा, और ये बड़ी बात होगी क्योंकि संडे के कारण संडे को ज्यादा फिल्मों के कलेक्शन में हाइप देखने को मिलती है। तो लेकिन इस फिल्म को इतने बुरे नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं, और वैसे तो इसको रिव्यूज मिलने नहीं चाहिए। इस फिल्म को 0 स्टार, -1 स्टार, -10 स्टार ऐसी रेटिंग दी है कई क्रिटिक्स ने, और देनी भी चाहिए। दोस्तों, मैंने तो फिर भी इसको 2.5 स्टार रेटिंग दी थी, क्योंकि भगवान श्री राम पे फिल्म बनाई, रामायण पे फिल्म बनाई है, और फिल्म का म्यूजिक कम से कम ये है कि सुनने लायक है, गाने अच्छे बनाए गए। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से फिल्म का नाश किया ना इन लोगों ने, भगवान भी इनको माफ नहीं करेंगे। भजन बली के लिए इन्होंने सीट और खाली छोड़ी है। अगर भूल से भजन बली वहां पे आ गई फिल्म देखने के लिए, नहीं देखी है तो भी वे तबाही जरूर मचाएंगे इस फिल्म के प्रति, क्योंकि इन लोगों ने पूरी रामायण का मतलब एक तरीके से इतना अपमान किया है, मतलब सभी के दिलों को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। ये फिल्म चल कैसे रही है थिएटर में, अभी तक बैन क्यों नहीं हुई है? कुछ याचिकाएं जरूर लगाई गई है, लेकिन अब तक इस फिल्म को उतार दी जानी चाहिए थी थिएटर से। अगर यही सब बातें आप किसी और समुदाय की या और किसी धार्मिक ग्रंथ के बारे में ऐसा दिखा देते आप, तो अब तक क्या क्या हो जाता आप जानते हैं। लेकिन हम काफी सही शुरू माने जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं है, गलती हो गई, माफी मांग लेंगे, ठीक है, जो भी हो गया बर्दाश्त कर लेते हैं। किसी भी चीज को होती है उसको हम लोग एक सेंसिल होते हैं, तो हम देखते ठीक है, इनका एक नजरिया है बताने का। तो यही तो हमारे धर्म की खासियत है, लेकिन ये कई बार हमारे लिए बहुत महंगी भी पड़ जाती है, हमारे लिए बहुत नुकसानदायक भी होती है, और होती रही है, सदियों से होती रही है, और अभी भी हो रही है। अभी भी कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं कि कुछ भी अपनी मन मर्जी का जो भी चाहते हैं वो दिखाते जाते हैं। खैर दोस्तों, जितना बोला जाए इस फिल्म के बारे में, जितनी कमियां बताई जाए, हर एक सीन पे कमी निकाली जा सकती है। हर एक सीन मतलब एक खौफनाक है, मतलब एक दिल को चोट पहुंचाने वाला है। कितना बोले आदमी इसके ऊपर, ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन अब इतना ही बोलूंगा कि आज इस फिल्म के कलेक्शन में संडे होने के बावजूद ड्रॉप होने वाला, हालांकि एडवांस बुकिंग कल के मुकाबले ज्यादा है। शुक्रवार को एडवांस बुकिंग 26 करोड़ की थी, शनिवार को 17 करोड़ के आसपास थी, और आज 18 करोड़ से ज्यादा एडवांस बुकिंग है। लेकिन इसके बावजूद इसका जो प्रिडिक्शन आ रहा है, अभी तक ट्रेड का जो प्रिडिक्शन आ रहा है, वो करीब 50 करोड़ रुपए के आसपास आ रहा है कि आज ये फिल्म 50 करोड़ के आसपास कलेक्शन करेगी। मतलब करीब 20% का ड्रॉप इस फिल्म का आज देखने को मिल सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जिन्होंने एडवांस करा लिया वो तो डेफिनेटली जाएंगे फिल्म को देखने के लिए, कोई डाउट नहीं है। और वैसे भी इतनी नेगेटिविटी फिल्म की हो चुकी है कि कई लोग तो अब इसलिए देखने जा रहे हैं कि यार देख के आएगी, क्या क्या गलत दिखाया इसमें तो है ये भी है दोस्तों। लेकिन फिर भी 700 करोड़ के आसपास फिल्म का बजट है, 650-700 करोड़। तो मंडे से फिल्म का कलेक्शन कितनी बुरी तरह से गिरेगा कि ये फिल्म 400 करोड़ भी नेट कलेक्शन पे मेरे हिसाब से नहीं पहुंचेगी। 400 करोड़ भी अगर ये पहुंच जाती है नेट कलेक्शन पे तो बहुत बड़ी बात होगी, और यही एक करारा जवाब होगा जनता की तरफ से कि बॉलीवुड वाले आइंदा ऐसी फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं कर सके जो किसी भी धर्म का मजाक उड़ाती हो। तो दोस्तों, आज इसका कलेक्शन की करीब 50 करोड़ मान ले तो 3 दिनों का इसका कलेक्शन, इंडियन नेट कलेक्शन 200 करोड़ को पार कर जाएगा, डेफिनेटली 200 करोड़ से ऊपर जाएगा, क्योंकि 2 दिनों का 150 करोड़ से ऊपर जा चुका है नेट कलेक्शन सभी भाषाओं को मिलाकर, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा सभी भाषाओं को मिलाकर के। तो अगर 50 करोड़ भी मैं मिनिमम मानूं तो हो सकता है 55 करोड़ भी जाए फिल्म, तो डेफिनेटली 200 करोड़ से 205 करोड़ के रेंज में इसका 3 दिनों का नेट कलेक्शन हो जाएगा, और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन इसका 300 करोड़ को पार कर जाएगा डेफिनेटली। आज ओवरसीज से अच्छा कलेक्शन मिलेगा फिल्म को, तो कुल मिलाकर के ठीक है। आप बताइएगा कि ये फिल्म लाइफ टाइम कितना कलेक्शन करेगी और कितनी बड़ी डिजास्टर साबित होगी, या बुरी तरह से फ्लॉप होगी, या केवल फ्लॉप होगी, फ्लॉप होना तो तय है। फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।